आज की जो हमारे यहाँ पे ब्लॉक मरम्मत की जो मीटिंग थी वो उसकी गर्जो गाइड ये थी कि हमें ब्लॉक सतह पे एक यूथ की कमेटी को ऑर्गेनाइज करना था, जो हमने आज की, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे भारत में यूथ को आगे लाने की कोशिश कर रही है और लाएगी भी, लाती भी है। तो अभी हमारा एक बहुत बड़ा ये चल रहा है कि हम पूरे हिंदुस्तान में यूथ की पार्टियों को बना रहे हैं, यूथ की बाड़ियों को बना रहे हैं। उसी तरह से हमने आज मरम्मत में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कांग्रेस के तमाम वर्करान, सरपंच हजरात, पंच हजरात और दीगर वर्करान यहाँ पे आए, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट सुलेमान टाक साहब और जो आज की मीटिंग में हमारे यहाँ से यूथ बॉडी के प्रेसिडेंट हमारे आशिक हुसैन साहब और वाइस प्रेसिडेंट अंजील जी को चुना गया। हमें उम्मीद है कि ये ग्राउंड सतह पे जाकर के यूथ लोगों से मिलेंगे, उनके काम करेंगे, उनके साथ मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाएंगे। हमारा मेन मकसद कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड सतह से मजबूत करना, यूथ ही का सबसे बड़ा अहम रोल रहता है कि जो पार्टी को या किसी भी काम को आगे लाने में बहुत मदद देता है। तो इसी गर्जो गाइड से हमने आज मीटिंग रखी थी जिसमें तकरीबन हमारे 250 से 300 वर्करान ने यहाँ पे हिस्सा लिया और उनकी मर्जी से ही यहाँ पे ब्लॉक के यूथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया, जो उनके साथ मिलकर के पार्टी के लिए काम करेंगे। और आपको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जैसे भाजपा पार्टी मोर्चे बनाती है, हम उन मोर्चों पे नहीं जाते हैं, ना ही हम मोर्चे बनाते हैं। हम एक सेकुलर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और सेकुलर ही हैं और सेकुलर रहेंगे। इसी तरीके से हमने भी आज यहाँ पे एक मीटिंग की, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमने यूथ बॉडी को ऑर्गेनाइज किया और उनको आगे लाने की कोशिश की और वो हमेशा के लिए पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी को हर जगह से मजबूत करने के लिए काम करेंगे। दूसरी यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें जो हमारे पास यहाँ पे मरम्मत में चल रही हैं, आप जानते हैं कि रोड से लेकर हो या हॉस्पिटल से लेकर हो, बहुत सारी मुश्किलें यहाँ पे हैं। सर्दी के मौसम में रोड बंद रहते हैं, पानी की बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। सबसे बड़ा अहम हमारे पास इस वक्त यह है कि हमें बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बहुत कम आ रही है। आप जानते हैं 24 घंटों में सिर्फ 12 घंटे ये लाइट रहती है। लिहाजा मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो लाइट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सर्दी के मौसम में लाइट की काफ़ी ज़रूरत रहती है और यहाँ पे लाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुहैया हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कट भी रखना है तो कम से कम 18 घंटे लाइट तो होनी चाहिए। लाइट की बहुत सारी प्रॉब्लमें यहाँ पे आ रही हैं, तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमें ये कमियाँ महसूस आएंगी, हम यूथ बॉडी से मिलकर के ये एडमिनिस्ट्रेशन तक और हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये बात पहुँचाएँगे और मरम्मत की तमाम मुश्किलों को इजाला करने की कोशिश करेंगे।